टुडे वी विल स्टार्ट विथ क्रोमैटोग्राफी। क्या चीज़ है ये क्रोमैटोग्राफी? तो क्रोमैटोग्राफी इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। कोई भी अगर दो चीज़ों का आपके पास मिक्सचर है, दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का आपके पास मिक्सचर है, तो यू कैन सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी एक टेक्निक है, ठीक है। क्रोमा का मतलब होता है कलर। कलर के बेस के ऊपर हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली एशियन टाइम्स में, क्या आज भी, जब भी क्रोमैटोग्राफी डिस्कवर हुई थी तो एक बॉटनी के टीचर थे, बॉटनी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया था, प्लांट्स की जो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स को और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को, कलर्ड कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए टेक्निक यूज़ की थी। तो आज इट इज़ अ वेरी वाइड ब्रांच ऑफ एनी केमिस्ट्री और एनी बॉटनी और जूलॉजी, जिसके बेस के ऊपर हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्रोमैटोग्राफी एक छोटी लेवल पे नहीं, आज बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गई है। आपने HPLC का नाम सुना होगा। हाई जो HPLC है वो हमारी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर बहुत ही माइन्यूट क्वान्टिटी, PPM में भी कोई लेवल होगी या कोई सब्सटेंस होगी, हम उसको भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि क्या प्रिंसिपल है इस क्रोमैटोग्राफी का। इट इज़ बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। क्या मतलब, ऑन स्टेशनरी फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएगी जो मैं बोल रही हूँ, जब हम बाद में देखेंगे कि कैसे कैसे हम क्रोमैटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको ये सारा प्रिंसिपल समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑन स्टेशनरी फेज, ठीक है। कि मान लो मेरे पास ये कोई फेज है, स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज क्या होता है, जो स्टेशनरी रहता है, एक जगह फिक्स रहता है। मोबाइल फेज क्या होता है, जो मूव करता रहता है। तो यहाँ पर क्या बोल रही हूँ कि मैं, कि कोई भी सब्सटेंस है वो स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। किसके इन्फ्लुएंस में, मोबाइल फेज के इन्फ्लुएंस में। तो ये डिफरेंट लेवल तक, मान लो एक सब्सटेंस यहां तक मूव हुआ, दूसरा सब्सटेंस यहां तक मूव हुआ, तो इसी के बेस के ऊपर हम किसी सब्सटेंस को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये क्रोमैटोग्राफी में जनरली मेरे पास दो फेजेस होते हैं। वन फेज इट इज कॉल्ड एज द स्टेशनरी फेज एंड अनदर फेज इट इज कॉल्ड एज द मोबाइल फेज, ठीक है। स्टेशनरी फेज एज द नेम इंडिकेट, कैसा रहता है, ये स्टेशनरी है, एक जगह फिक्स है। मोबाइल फेज वो होगा जो क्या करेगा, मूव करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, मोबाइल फेज। इज इट क्लियर, ठीक है। अब ये क्यों, कोई भी सब्सटेंस क्यों अलग अलग हाइट तक मूव कर रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की पोलैरिटी कम होती है, किसी सब्सटेंस की पोलैरिटी ज्यादा। वो पोलैरिटी क्या चीज है, आपको पता होगा पोलैरिटी क्या चीज है। पोलैरिटी होती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स कितने डेवलप होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पोलैरिटी। तो कोई सब्सटेंस जो जितना ज्यादा पोलर है वो उतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, एड्सॉर्ब, और कोई सब्सटेंस जो कम पोलर है वो कम एड्सॉर्ब होगा, और बहुत ऊपर तक, मतलब जो ज़्यादा एड्सॉर्ब होने वाला होगा वो जब बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगा तो ज़्यादा ऊपर तक मूव नहीं कर पाएगा। कम एब्जॉर्ब होने वाला होगा तो वो ज़्यादा ऊपर तक मूव करेगा और थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे एड्सॉर्ब होगा, ठीक है। अब आपको समझ आना चाहिए कि देर आर टू टर्म्स, एक है एड्सॉर्प्शन और एक टर्म होती है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, जब भी आप किसी लिक्विड को किसी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज में अगर मैं पानी में डालूं स्पॉन्ज को, तो पूरे के पूरे वाटर जो होता है वो स्पॉन्ज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, बी वाला एब्जॉर्ब। मतलब ये मान लो स्पॉन्ज है, कुछ बहुत मोटी है, ऐसी जैसी कुछ स्पॉन्ज होगी ये, तो जैसे मैंने इसमें वाटर डाला तो सारा वाटर स्पॉन्ज के अंदर चले गया, बाहर भी और अंदर भी, अंदर तक पहुंच गया वाटर। तो वो कौन सी प्रोसेस हुई, एब्जॉर्प्शन, कि जैसे मैंने वाटर डाला कि पूरे स्पॉन्ज में क्या आ जाएगा, इसमें वाटर। तो हर एक लेवल पे अगर सेम कंसंट्रेशन में एब्जॉर्ब हुआ उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। लेकिन कई बार आपने क्या देखा कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, मैं उसके ऊपर वाटर एब्जॉर्ब कराऊँ तो वाटर सिर्फ आउटर लेयर्स के ऊपर है आएगा, अंदर तक नहीं जाएगा वाटर। तो अगर सिर्फ आउटर सरफेस के ऊपर कोई चीज़ एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, अगर अंदर तक हर जगह एब्जॉर्ब हो जाए उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो क्रोमैटोग्राफी में एड्सॉर्प्शन वर्ड यूज़ करता है, क्योंकि ये सिर्फ सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होती है, अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होती है, ठीक है। तो अब मैंने कहा था कि जब क्रोमैटोग्राफी में दो फेजेज आके, एक हो गया आपके पास स्टेशनरी फेज और एक हो गया आपके पास मोबाइल फेज, ठीक है। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं विच वी यूजिंग इन द क्रोमैटोग्राफी, बस मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ये फेजेस हैं। जब मैं आगे बताऊँगी कि मैं कैसे क्रोमैटोग्राफी टेक्निक करूँगी तो आपको ये सारा समझ आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है कंपाउंड्स एड्सॉर्ब ऑन स्टेशनरी फेज, ठीक है। आपने क्या ले लिया, कोई स्टेशनरी फेज ले लिया,
कोई स्टेशनरी फेज़ लिया, अब जैसे आपने इसके ऊपर कंपाउंड लगाया वो मोबाइल फेज़ के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर मूव करना स्टार्ट किया। ऊपर मूव होना स्टार्ट हुआ मतलब क्या होने स्टार्ट हो गया, उसकी एड्सॉर्प्शन हुई तभी तो ये ऊपर इसके ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस क्या हुई, एड्सॉर्प्शन ऑन स्टेशनरी फेज। फिर है सेपरेशन ऑफ एड्सॉर्ब्ड कंपाउंड। सेपरेशन ऑफ एड्सॉर्ब्ड कंपाउंड मतलब स्टार्टिंग में तो ये एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुआ, दो भी कोई कंपाउंड मैंने यहाँ पे रखे हैं, स्टार्टिंग में तो यहाँ पे सिर्फ एड्सॉर्ब हुए हैं ये, जैसे मैंने इसको किसी सॉल्वेंट में डाल दिया इस पेज ऑफ पेपर को तो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, तो सॉल्वेंट के साथ साथ ये फेजेस भी ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये इक्वल हाइट तक मूव नहीं करेगा, एक थोड़ा कम मूव कर रहा है मान लो, एक थोड़ा यहाँ तक मूव कर रहा है। और क्यों ये कम या ज़्यादा मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पोलैरिटी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, एड्सॉर्ब जो कंपाउंड हुए बाय द मोबाइल फेज। अब ये सेपरेट हो चुका है क्योंकि एक यहाँ पहुँच गया, मान लो मैंने किसी क्रोमैटोग्राफी पेपर के ऊपर एक एक कंपाउंड लगा का एक स्पॉट लगाया, दूसरा कंपाउंड भी मैंने इसी के ऊपर लगा दिया, तो जैसे ही मैंने इसको मोबाइल फेज में पुट किया या वाटर में पुट किया, किसी भी सॉल्वेंट पुट किया, तो एक कंपाउंड ऊपर मूव करना स्टार्ट किया, मान लो ये सिर्फ यहाँ तक ही मूव हुआ, लेकिन इसी का दूसरा कंपाउंड ऊपर पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँच गया, तो इनिशियली तो ये एक ही स्पॉट पे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये दो अलग अलग स्पॉट पे पहुँच गया, मतलब इनकी क्या हो चुकी है यहाँ पे सेपरेशन, ये अलग कंपाउंड बन गया और ये अलग बन गया। ठीक है, तो इसकी क्या हो चुकी है सेपरेशन। और अल्टीमेटली फाइनली हम क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड एब्जॉर्ब हुआ उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो इट इज़ रिमूविंग ऑफ एब्जॉर्ब कंपाउंड। और दिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, और जब भी हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो अल्टीमेटली हम क्या निकाल देते हैं, आरएफ वैल्यू निकाल देती हैं। आरएफ का मतलब होता है रिटेंशन फैक्टर। ठीक है, रिटेंशन फैक्टर किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि मान लो यही आपके पास कोई क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, ये आपने जो सबसे नीचे वाला लाइन है वो ली है, और यहाँ पे आपने कोई कंपाउंड रखा था जिसको आपने सेपरेट करना है, तो मान लो यहाँ पे दो कंपाउंड है, ए प्लस बी का मिक्सचर है, जैसे आपने इसकी क्रोमेटोग्राफी करवाई तो ए भी यहाँ तक मूव हुआ मान लो और बी यहां तक मूव हुआ, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो यहां तक मूव हुआ। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, ए और बी का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, कितना डिस्टेंस है मान लो ये है 2, और इस लाइन से ही बी कितना मूव हुआ मान लो ये है 5, लेकिन सॉल्वेंट कितना मूव हुआ ऊपर तक वो है मान लो 10। तो अगर मुझे आरएफ वैल्यू ऑफ ए निकालनी है तो आरएफ वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट, मतलब कितना वो ए मूव किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट मान लो ये है 2, डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहां से लेके यहां तक मूव हुआ, कितना मूव हुआ 10, तो कितना आ जाएगा 2/10 आ जाएगी। वैसे अगर मैं आरएफ वैल्यू यहां पे बी की निकालती हूं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी सॉल्यूट, तो कितना मूव हुआ बी सॉल्यूट यहां पे 5, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट कितना हुआ यहां पे 10, तो यहां पे हम दो कंपाउंड्स अलग अलग कंपाउंड्स के क्या निकाल देंगे, आरएफ वैल्यू निकाल देंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हम किसी भी दो सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मोबाइल फेज एंड बाय यूजिंग स्टेशनरी फेज, और मोबाइल फेज के इफेक्ट में ही जो दो कंपाउंड है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इतना अभी आपको क्लियर नहीं भी आया है तो आगे वाला जो मैं बाकी पोर्शन है वीडियो का उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हम इस टेक्निक को क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आई टोल्ड यू दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट ऑफ और मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्रोमेटो, इट इज कॉल्ड एज पेपर क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पे हम पेपर की हेल्प से, फिल्टर पेपर की हेल्प से किसी भी दो सब्सटेंसेस को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे डी लगा है, एड्सॉर्प्शन, समझ गए होंगे आप क्या है एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो लिक्विड फेज इज एड्सॉर्ब्ड ऑन सॉलिड स्टेशनरी फेज। तो मैंने कहा था दो फेजेस होते हैं, एक होता है मोबाइल फेज और एक होता है यहाँ पे स्टेशनरी फेज। तो लिक्विड फेज होता है मोबाइल फेज और सॉलिड स्टेशनरी फेज कैसा है, ये सॉलिड है। ठीक है, अब जो मोबाइल फेज है वो क्या चीज़ है, सॉल्वेंट जो भी हमने यूज़ किया है वो है मोबाइल फेज जो मूव करेगा, और स्टेशनरी फेज क्या है यहाँ पे, फिल्टर पेपर। मैंने कहा था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, तो स्टेशनरी फेज क्या चीज़ है, फिल्टर पेपर, और मोबाइल फेज क्या चीज़ है यहाँ पे, सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्या क्या प्रोसीजर है, मतलब क्या प्रिंसिपल है, अगर आपको आता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है तो आप यही लिख सकते हैं यहाँ पे, ये है यहाँ का इसका प्रिंसिपल। ठीक है, तो मान लो मैंने ये स्लिप ऑफ पेपर लिया है, कोई स्लिप ऑफ पेपर। ठीक है, इस पेपर में मुझे क्या करवानी है, क्रोमेटोग्राफी करवानी है। तो मैं एक पेपर ले लूंगी और यहां पे 3 सेंटीमीटर की अबव, 3 सेंटीमीटर के ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, और दिस लाइन इट इज कॉल्ड एज द बेस लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस लाइन। ठीक है, अब इस बेस लाइन के ऊपर हम वो स्पॉट लगाते हैं जिसका हमें क्या करना है, सेपरेट करना है जिन कंपाउंड्स को। मान लो मेरे पास कोई भी
कंपाउंड है, ए प्लस बी का मिक्सचर है मेरे पास यहाँ पे। मतलब आपने यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन लिया है और सॉल्यूशन क्या चीज़ है, ए और बी को मिक्स करके वो सॉल्यूशन बनाया है और आप चाहते हैं ए और बी को मैं यहाँ से क्या करूँ, सेपरेट करूँ। ठीक है, तो आप क्या लोगे, आपको नहीं पता कि कौन से कंपाउंड है यहाँ पे, यार कैसे सेपरेट करेंगे इसको। तो आपने क्या किया, यहाँ से ए और बी के मिक्सचर की एक ड्रॉप ली और उसको कहाँ रख दिया आपने, इस वाले पेपर के ऊपर रख दिया। ठीक है, मिक्सचर टू बी एनालाइज्ड इज प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट, स्पॉट की फॉर्म में हमने प्लेस कर दिया ऑन द फिल्टर पेपर, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ए स्पॉटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने जो भी दो कंपाउंड को सेपरेट करा था उसके मिक्सचर से एक ड्रॉप ली और उसको यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, यहाँ पे स्पॉट बना दिया उसका। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं, इस फिल्टर पेपर को, जो मैंने ये फिल्टर पेपर लिया था, किसी भी जार में सस्पेंड कर दूंगी। जैसे आपको ये डायग्राम देखा था, मान लो ये है फिल्टर पेपर और ये है जो बेस लाइन मैंने लगाई है, और यहाँ पे मान लो मैंने किसी भी कंपाउंड का क्या ले लिया, स्पॉट लगा लिया। ठीक है, अब इस पेपर को लेंगे हम और इसको किसी जार में सस्पेंड कर देंगे, जहाँ पे जिस जार के नीचे मैंने क्या डाला है, सॉल्वेंट। अब आपको पता है कि सॉल्वेंट क्या चीज़ है, यहाँ पे मोबाइल फेज है, तो इस फिल्टर पेपर को मैंने इस जार में सस्पेंड कर दिया जिसके नीचे क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट। और आपने कितना सस्पेंड करना है ताकि जो फिल्टर पेपर का जो स्पॉट वाला पोर्शन है या थोड़ा सा फिल्टर पेपर लिक्विड में क्या हो जाए, डिप हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आप फिल्टर पेपर इस सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्वेंट ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो मान लो ये था फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर ये लिया मैंने और इस फिल्टर पेपर को मैंने किसी जार में पुट कर दिया, और जार में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट है। जैसे फिल्टर पेपर सॉल्वेंट के कॉन्टैक्ट में आएगा तो सॉल्वेंट क्या होगा, धीरे धीरे आप ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा। आप जनरल अपनी लैब में भी ये यूज़ कर, ये देख सकते हैं जब आप क्रोमेटोग्राफी करेंगे कि जैसे आप फिल्टर पेपर को इस जार में पुट करेंगे, एकदम जो सॉल्वेंट है सारा के सारा ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पे स्पॉट लगाया था वो स्पॉट भी इस सॉल्वेंट के साथ ऊपर मूव करना स्टार्ट किया। मतलब धीरे धीरे आपको दिखेगा कि सॉल्वेंट यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, स्पॉट यहाँ पहुँच गया। मान लो एक स्पॉट यहाँ पहुँच गया, कुछ टाइम बाद जो इसका ए पार्ट था मान लो यहाँ पहुँच गया, जो इसका बी कंपोनेंट था वो और भी ऊपर जाते जाते यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो मान लो ये है जार और आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आपका बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया है। जब सॉल्वेंट आपको दिख जाएगा कि लिक्विड ऊपर तक गीला हो गया सॉल्वेंट की वजह से, जब सॉल्वेंट ऊपर तक पहुंच जाए तो आप इस फिल्टर पेपर को यहां से जार से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, फिल्टर पेपर इज सस्पेंडेड इन द जार कंटेनिंग सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे अभी हम बाद में देखेंगे। एंड द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, सारे कंपोनेंट वाटर के साथ ऊपर ऊपर मूव करना, मतलब सॉल्वेंट के साथ ऊपर ऊपर मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट हाइट पे ये मूव करेंगे। ठीक है, एक है मान लो हाइट एक्स और दूसरे की हाइट है मान लो वाई। ठीक है, तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर को बाहर निकालेंगे, इसको ड्राई करेंगे, और अल्टीमेटली अगर हमारे पास स्पॉट विजिबल है, जैसे कहीं रेड स्पॉट हो जाते हैं, कहीं येलो हो जाते हैं, विजिबल है तब तो ठीक है, अगर स्पॉट विजिबल नहीं है तो हम इसके ऊपर एक केमिकल स्प्रे कर सकते हैं। उस केमिकल को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द विजुअलाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो विजुअलाइजिंग एजेंट स्प्रे करने से हमें जो अनकलरलेस स्पॉट्स थे वो क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे, और अल्टीमेटली फाइनली हम क्या निकाल देंगे, उसकी RF वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब हम क्रोमेटोग्राफी कैसे करेंगे। प्रिंसिपल क्या था कि हमने पेपर लिया, पेपर के एक एंड के ऊपर हमने वो कंपाउंड का स्पॉट लगा दिया जिसको हमने सेपरेट करना है, दो कंपाउंड का, तीन कंपाउंड का, जितने का मिक्सचर है उसको हमने स्पॉट कर दिया। फिर इस पेपर को हमने जार में सस्पेंड कर दिया और उस जार में क्या प्रेजेंट है, सबसे नीचे बेस पे कुछ लिक्विड प्रेजेंट है। जैसे ही फिल्टर पेपर उस लिक्विड को टच करेगा, वो लिक्विड फिल्टर पेपर के ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे जैसे वो लिक्विड फिल्टर पेपर में ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये जो स्पॉट जो कंपाउंड्स थे वो भी उस लिक्विड के साथ ऊपर मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर पेपर क्या बिहेव कर रहा है, स्टेशनरी फेज, और वाटर क्या बिहेव कर रहा है, यहाँ पे मोबाइल फेज। और जब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, हमने पेपर बाहर निकाल लिया और हमने जितने हाइट तक ये मूव हुआ है उन हाइट को हमने कैलकुलेट कर लिया, और अल्टीमेटली क्या निकाल लेंगे हम, उसकी RF वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन और Al3 पॉजिटिव आयन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। बहुत इजी है, हम लैब में भी कर लेते हैं इसको बहुत इजीली। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या यूज़ करेंगे, जो हमें मिक्सचर सेपरेट करना है, किस किस मिक्सचर का, Fe3 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव का मिक्सचर हमें सेपरेट करना है, तो हमें उसका मिक्सचर बना लेना है पहले। मान लो एक छोटी सी चाइना डिश में या किसी में आपने सॉल्यूशन बना लिया, किस सॉल्यूशन, Fe3 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव का सॉल्यूशन बना लिया। फिर हम क्या करेंगे, एक जार लेंगे, जार में क्या डालेंगे, मूविंग फेज या मोबाइल फेज डालेंगे।
क्या क्या मोबाइल फेज लिया है आपने, 45 ml इथेनॉल, 45 ml ऑफ आइसोप्रोपेनॉल और 5 ml ऑफ HCl, इन तीनों का हमने सॉल्यूशन लिया। और आप देख सकते हो यहाँ पे जार में मैंने नीचे सॉल्यूशन डाला है, तो आपने ये सारा सॉल्यूशन कहाँ डाल देना है, नीचे डाल देना है, ठीक है। फिर एंड में क्या है आपके पास, स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज क्या चीज़ है आपके पास, फिल्टर पेपर, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इनको सेपरेट करेंगे, आयरन और एल्यूमिनियम के आयंस को कैसे सेपरेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फिल्टर पेपर ले लिया, फिल्टर पेपर को क्रोमेटोग्राफिक पेपर भी बोलते हैं, क्योंकि हम क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं इसके ऊपर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटोग्राफिक पेपर। तो ये हमने क्रोमेटोग्राफिक पेपर ले लिया। क्रोमेटोग्राफिक पेपर में सबसे नीचे 3 cm ऊपर में एक लाइन लगा लूँगी, उसको बोलेंगे हम बेस लाइन। इज इट क्लियर, ठीक है। बेस लाइन के ऊपर जो भी मैंने ये सॉल्यूशन लगाया था, इसका मैंने एक स्पॉट लगा लिया, ठीक है। अब ये जो स्पॉट है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है Fe3 पॉजिटिव और एक है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या कर ली हमने, स्पॉटिंग ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर कर ली। स्पॉटिंग मतलब मैंने इसके ऊपर क्या लगा लिया, यहाँ पे स्पॉट, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, डेवलपिंग ऑफ क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम मतलब, डेवलपिंग का मतलब कि मैंने क्या करूँगी इस प्रोसेस में, इस फिल्टर पेपर को लूँगी, यहाँ पे एक धागा टाई कर दूंगी मैं, और धागे से मैं इसको सस्पेंड कर दूंगी थ्रेड से नीचे, ताकि ये जो फिल्टर पेपर का एंड है वो इस सॉल्वेंट में या मोबाइल फेज में क्या हो जाए, डिप हो जाए, ठीक है। जैसे जो पेपर क्रोमेटोग्राफिक पेपर है ये सॉल्वेंट में डिप होगा, एकदम सॉल्वेंट इस क्रोमेटोग्राफिक, क्योंकि फिल्टर पेपर वाटर एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जैसे क्रोमेटोग्राफिक पेपर यहां पे डिप होगा, तो जो भी सॉल्वेंट है इट विल स्टार्ट एट वंस मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर, जैसे ही ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, तो ये वाला जो स्पॉट है, अब मैंने यहाँ पे दो लगा दिया, लेकिन मान लो यहाँ पे एक ही स्पॉट है, तो एक स्पॉट भी ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और दूसरा स्पॉट भी ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मान लो ये वाला स्पॉट यहाँ तक मूव हुआ है और ये वाला स्पॉट यहाँ तक, अब मैंने दो अलग अलग लगा लिए स्पॉट, लेकिन मान लो ये एक ही स्पॉट है, एक स्पॉट में से एक कंपाउंड यहाँ तक मूव हुआ है और एक स्पॉट में से एक कंपाउंड यहाँ तक मूव हुआ है, ठीक है। और सॉल्वेंट क्योंकि बहुत फास्ट मूव कर रहा है, मान लो सॉल्वेंट यहाँ तक मूव हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिल्टर पेपर, जब ये सॉल्वेंट बहुत ऊपर तक मूव हो गया, तो मैंने इस फिल्टर पेपर को धीरे धीरे बाहर निकाल लिया। तो अब क्या देखोगे, नीचे आपको बेस लाइन दिखेगी, एक स्पॉट आपको यहाँ दिखेगा, एक स्पॉट आपको ऊपर दिखेगा, और सबसे ऊपर आपको लाइन दिखेगी सॉल्वेंट वाले की, जहाँ तक सॉल्वेंट मूव हुआ, यहाँ तक पेपर ड्राई हो गया, इसके ऊपर पेपर क्या है, सूखा है, वेट है ये, ठीक है। अब आपके पास क्या हो सकता है, विजुअलाइजेशन ऑफ स्पॉट करना है। ये तो हो गया डेवलपिंग ऑफ क्रोमेटोग्राम। जो भी ये पेपर बन गया, अब जिसके ऊपर स्पॉट लगे हैं, इस पेपर को क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज, मैंने बताया थी आपको, क्या बोलेंगे इसको, क्रोमेटोग्राम। फिल्टर पेपर जिसके ऊपर स्पॉट लग चुके हैं उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम, ठीक है। अब क्रोमेटोग्राम की जो दो स्पॉट्स हैं, वो स्पॉट विजिबल भी हो सकते हैं और इनविजिबल भी हो सकते हैं। अगर ये स्पॉट विजिबल हैं तब तो ठीक है, इनविजिबल हैं तब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्प्रे कर लेंगे एक डाई, दैट इज कॉल्ड एज एलिगेलिया डाई। इसको स्प्रे करने से ये स्पॉट आपको अच्छी तरह विजिबल दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर अल्टीमेटली एंड में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ RF वैल्यू। RF वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस स्पॉट की, मान लो इस स्पॉट को यहाँ तक है, इस स्पॉट की लेंथ मेजर कर लेंगे, मान लो ये आ गया आपके पास 1 cm। फिर हम ऊपर वाले स्पॉट की लेंथ मेजर कर लेंगे, मान लो ये कितने आ गया आपके पास 2 cm। और फाइनली हम जहाँ तक सॉल्वेंट मूव किया है उसको मेजर कर लेंगे, मान लो ये है आपके पास 1 cm, ठीक है। तो एक स्पॉट की लेंथ फ्रॉम बेस लाइन, सेकेंड स्पॉट की लेंथ फ्रॉम बेस लाइन, और सॉल्वेंट की जो स्पॉट लेंथ है बेस लाइन, वो तीन हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे RF वैल्यू ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन। अब जो भी आपका कलर निकलेगा कंपाउंड का, कलर बता देगा ये कौन सा आयन है। रेड कलर का आयन मतलब ये निकला आपके पास, पर्पल निकला आपके पास Fe, कोई और ब्लू कलर आ गया तो मेरे पास क्या आ गया, ये एल्यूमिनियम जनरली क्या होता है, कलरलेस है। जैसे आप इसमें एलिगेलिया डाई वो स्प्रे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कलर, ठीक है। तो RF वैल्यू ऑफ वन कंपोनेंट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय Fe3 पॉजिटिव डिवाइड बाय सॉल्वेंट, तो दैट इज x डिवाइड बाय z। वैसे ही RF वैल्यू ऑफ सेकंड कंपोनेंट, मान लो ये है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड कंपोनेंट डिवाइड बाय सॉल्वेंट, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कंपोनेंट कितना है, y/z। तो ऐसे हम दो चीज़ों को क्या निकालेंगे, यहाँ पे RF वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो दिस इज द होल मेथड, कैसे कैसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि ये है स्पॉटिंग,
ठीक है, ये है स्पॉटिंग। यहाँ पे आपने क्या ले लिया है, फिल्टर पेपर, और यहाँ पे दो स्पॉट्स लगा लिए हैं। फिर इस पेपर को क्या बोलेंगे, क्रोमेटोग्राफिक पेपर बोलेंगे, ठीक है। फिर हमने इस पेपर को किसी जार में सस्पेंड कर लिया है, जार में नीचे क्या है, सॉल्वेंट, और आपने ध्यान रखना है कि जो हमने स्पॉट्स लगाए हैं वो इस सॉल्वेंट के ऊपर रहने चाहिए, वो सॉल्वेंट में डिप नहीं होने चाहिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सॉल्वेंट नीचे है और स्पॉट्स क्या है, ऊपर है। जैसे जैसे धीरे धीरे ये डेवलपिंग ऑफ क्रोमेटोग्राम हो जाएगा तो सारा के सारा सॉल्वेंट ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये सॉल्वेंट की लाइन है जहाँ तक सॉल्वेंट मूव हुआ है, और ये डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स आ गए हैं जो अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर क्या हुआ है, मूव हुए। अल्टीमेटली इसको हमने फिल्टर पेपर को बाहर निकाल लिया है, इन स्पॉट्स की हमने लेंथ मेजर कर ली है, और अल्टीमेटली क्या निकाली है, उनकी RF वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है। तो दिस इज द मेथड हाउ पेपर क्रोमेटोग्राफी इज डन। So this was all about paper chromatography. I hope you have understood it. In the next chapter, we will study another topic of chromatography. So till then, thank you.